नमस्कार, सोनिया का डाकिया आया डाक लाया। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से सोनिया के दरबार से आज बड़ा मैसेज राजस्थान की कांग्रेस राजनीति के लिए राजस्थान पहुंच चुका है। एआईसीसी कमेटी के एक सदस्य अजय माकन जो आज दिल्ली से जयपुर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो सियासी ड्रामा हुआ और उसके बाद दोनों नेताओं के बीच में जो दरार बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं भरने के लिए सोनिया गांधी की तरफ से बड़ा मैसेज आज राजस्थान कांग्रेस की राजनीति के लिए सुनाया जाएगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत से आज अजय माकन है वो मुलाकात करेंगे और बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में आपसी दरार जो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो राजस्थान कांग्रेस की एक कमान में दोनों नेता नहीं रह सकते हैं। उसके बाद अजय माकन सहित सोनिया गांधी काफी एक्टिव है और एक बड़ा संदेश आज सोनिया गांधी की तरफ से सचिन पायलट और अशोक गहलोत को सुनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि जयपुर संभाग के सभी नेताओं से भी अजय माकन आज मुलाकात करेंगे। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों जो पुराने पदाधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो अजमेर जाएंगे कल या परसों तक, वहां पर भी अजमेर संभाग के जो नेता हैं कांग्रेस के उनसे मुलाकात करेंगे। इन सब मुद्दों को समझने के बाद में वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो रिपोर्ट तय करेगी कि राजस्थान में सीएम गद्दी किसके हाथ में जाएगी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में अशोक गहलोत की सीएम गद्दी पर अब संकट के बादल मंडराते हुए स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरह से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की वापसी के बाद उनसे नजरें भी नहीं मिलाई है, उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस में रखना कतई पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान कांग्रेस की जनता सचिन पायलट के साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है और यही कारण था कि गहलोत कैंप के जो कार्यक्रम में सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगते हैं, अशोक गहलोत की जेईई और नीट की जो परीक्षाएं हैं उन पर जो विरोध प्रदर्शन था उसमें कांग्रेस के सिर्फ 20-50 कार्यकर्ता ही पहुंचते हैं। ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के अब सोनिया गांधी को भी स्पष्ट हो चुका है और अशोक गहलोत को भी एक तगड़ा मैसेज मिल चुका है कि राजस्थान कांग्रेस की जनता अब अशोक गहलोत से कन्नी काट चुकी है। अब राजस्थान कांग्रेस की जनता कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ खड़ी है और सचिन पायलट ने अपने और अपने विधायकों के मान सम्मान को लेकर के पहले ही गहलोत सरकार से बगावत कर ली है और अब बताया जा रहा है कि सचिन पायलट को यदि मान सम्मान को लेकर के किसी तरह का कोई बड़ा तोहफा नहीं दिया जाता है गहलोत सरकार में तो कन्फर्म है कि सचिन पायलट दोबारा गहलोत सरकार से बगावत करेंगे। और इसको लेकर के सचिन पायलट कैंप ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जनता की सहानुभूति बटोरनी शुरू कर दी है और एक कड़ा संदेश सोनिया और गहलोत को पहुंचा दिया है कि राजस्थान कांग्रेस की जनता अब गहलोत के साथ नहीं है, ना ही कांग्रेस के साथ है, बल्कि वो हमारे साथ है। यानी कि अब उम्मीदवार देख करके राजस्थान कांग्रेस की जनता हमारी इन सीटों पर, विधानसभा सीटों पर अगला मतदान करेगी। और बताया तो यहाँ तक जा रहा था कि सचिन पायलट कैंप ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन इसी बीच एक 23 बड़े नेताओं की चिट्ठी सोनिया गांधी को मिलना, उस मुद्दे ने एक बड़ा हड़कंप राजस्थान कांग्रेस में मचा करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, 5 मुख्यमंत्रियों सहित एक सांसद और 30-30 साल से कांग्रेस की गुलामी सहने वाले नेताओं ने एक चिट्ठी जब सोनिया गांधी को लिखी जिसमें कांग्रेस को लेकर के कई बड़े बदलाव करने का सुझाव दिया गया, उस चिट्ठी पर राहुल गांधी ने उन 23 नेताओं को जो 5 पूर्व मुख्यमंत्री थे और 30-30 साल से जो कांग्रेस की और गांधी परिवार की गुलामी सहने वाले कपिल सिब्बल जैसे, गुलाम नबी जैसे, ऐसे नेताओं को राहुल गांधी ने बीजेपी का दलाल बता दिया था, बीजेपी का जो एक तरह से बिका हुआ नेता बता दिया था। इस तरह की बात कहने के बाद सचिन पायलट कैंप को इतना तो समझ में आ गया कि जिस मान सम्मान की लड़ाई के लिए गहलोत कैंप से जो बगावत करके सचिन पायलट ने वापसी की है वो एक सबसे बड़ी गलती सचिन पायलट कैंप कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिन 23 नेता जो 30-30 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं उनकी इज्जत भी जब गांधी परिवार ने नहीं की तो उनके सामने
पायलट कैंप के विधायकों की तो कोई औकात ही नहीं है, इसलिए हो सकता है कि अब गांधी परिवार की तरफ से कोई भी मान सम्मान की रक्षा सचिन पायलट के कैंप की ना की जाए। इस तरह की निराशा अब कहीं ना कहीं पायलट कैंप में मौजूद है और यही कारण है कि सचिन पायलट कैंप ने अपनी अपनी विधानसभा में पहुंच करके अब एक तरह से दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी है। विश्वेंद्र सिंह को जो कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे वो हजारों लोगों से मुलाकात भी कर चुके हैं राजस्थान में अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरान, लेकिन वो बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव है। इसके अलावा भंवरलाल शर्मा जो सरदार शहर के विधायक हैं उनकी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई, इस वजह से उनको भी कल SMS के ICU में भर्ती रखा गया है। उससे पहले ही मास्टर भंवरलाल जो गहलोत गुट के विधायक हैं वो पहले से ही ICU में हैं, बताया जा रहा है कि वो कोमा में हैं। यानी कुल मिलाकर के अशोक गहलोत कैंप और पायलट कैंप के विधायकों को लेकर के अब राजस्थान की राजनीति में एक बार दोबारा घमासान शुरू होने जा रहा है, क्योंकि अब अजय माकन तय करेंगे कि यदि गहलोत सरकार मंत्रिमंडल विस्तार पर यदि जल्दी कोई फैसला लेना है तो कन्फर्म है सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक बार दोबारा आमने सामने होंगे। अब की बार वो मंत्रिमंडल विस्तार पर अपना जो घमासान है वो तय करेंगे। कुल मिलाकर के अशोक गहलोत कैंप के जो कार्यक्रम जो JEE नीट की परीक्षा के विरोध का कार्यक्रम था उनके मंच से ही अपने विरोधियों को सचिन पायलट तगड़ा झटका दे चुके हैं, करारा जवाब दे चुके हैं, जिसके बाद कचरियावास जैसे नेताओं ने तो अपनी नजरें नहीं उठाई थी। और जिस तरह से उन्होंने गहलोत कैंप के इस कार्यक्रम के मंच से कहा था कि गहलोत सरकार में उनकी बराबर की भागीदारी है, इसलिए वो मंत्रिमंडल में भी बराबर की भागीदारी लेकर रहेंगे, इस तरह का कड़ा संदेश सोनिया गांधी और अशोक गहलोत को पहुंचाना ये तय कर रहा है कि राजस्थान में सचिन पायलट कैंप के विधायक अब ज्यादा दिन कांग्रेस में टिकने वाले नहीं हैं। और जिस तरह से मान सम्मान की लड़ाई को लेकर के वो पहले दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं, उसी तरह से बताया जा रहा है कि आज सुबह ही पायलट कैंप के विधायक जयपुर पहुंचे हैं, इससे पहले वो दिल्ली में मौजूद थे, अजय माकन से उन्होंने मुलाकात की, सोनिया गांधी के दरबार में भी वो पेश हुए। ऐसे में अब स्पष्ट हो चुका है कि सचिन पायलट कैंप अपने मान सम्मान की लड़ाई को लेकर के दोबारा बगावत कर सकते हैं। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हुए सियासी ड्रामे के बाद दोनों ही नेताओं के बीच की आपसी दरार है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और अब सोनिया गांधी ने AICC कमेटी की गठन करके एक तरह से गहलोत के जो एक तरह से अधिकार थे उनको छीनने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी सचिन पायलट के साथ खड़ी है, ऐसे में वो भी सचिन पायलट के पक्ष में कोई ना कोई बड़ा फैसला करवाना चाहती है। और यही कारण है कि सचिन पायलट की तरफ से कड़े शब्दों में सोनिया गांधी और अशोक गहलोत को कड़ा संदेश पहुंचाया जा रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हुए सियासी ड्रामे में भारतीय जनता पार्टी भी अब एक तरह से हिस्सा लेना शुरू कर चुकी है। BJP ने भी हल्ला बोल के जरिए अब गहलोत सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। संपूर्ण किसान कर्ज माफी, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, कोरोना काल के दौरान जो किसानों की बिजली माफ करने को लेकर के, इसके अलावा भी कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं स्कूल फीस सहित, जिनको लेकर के अब गहलोत सरकार को भारतीय जनता पार्टी घेर रही है। लेकिन इसमें एक तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया गुट ने जो चुप्पी छाई हुई है, बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले BJP के प्रदेश कार्यालय में एक मीटिंग हुई जिसमें गहलोत सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार की गई, लेकिन इस पूरी मीटिंग के दौरान ना ही तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने कोई शब्द बोला और ना ही उनके गुट के विधायकों ने बोला। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन BJP कोशिश कर रही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के यदि कोई बड़ा फैसला लेना पड़ता है तो पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी रणनीति भी BJP तैयार कर रही है। वैसे भी वसुंधरा को हटा करके अब जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी के जरिए अब भारतीय जनता पार्टी ने जो वसुंधरा का महारानी का जो स्पेस है वो भरने की तैयारियां शुरू कर दी है। और बताया यहां तक जा रहा है कि BJP पायलट के समर्थन में बयानबाजी कर रही है ताकि फिर से सचिन पायलट कैंप के विधायक अपनी सेना को तैयार करें और दोबारा से गहलोत सरकार से बगावत करें और इस बार इस सेना की संख्या 30 से 35 हो। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे से इतना साफ हो चुका है कि राजस्थान कांग्रेस में अब दोनों ही नेता एक कमान के अंदर नहीं रह सकते हैं। और सचिन पायलट कैंप ने गहलोत के मंच से इस तरह के कड़े संदेश देकर के साफ कर दिया है कि वो अब अशोक गहलोत की गुलामी
नीलामी नहीं सहेंगे, चाहे उनको बगावत दोबारा करनी पड़े। लेकिन अब सचिन पायलट ने और उनके कैंप के विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल करके फिर से ये कोशिश की है कि सोनिया गांधी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर अंतिम फैसला ले और सचिन पायलट और पायलट कैंप के सभी विधायकों का मान सम्मान बनाए रखे। कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने जिस तरह से बगावती सुर दोबारा अपनाए हैं, उसके बाद इतना तो तय हो चुका है कि अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के पैरों तले से जमीन किसकी हुई है। राहुल गांधी जिस तरह से 23 नेताओं को लेकर के कमिटमेंट कर चुके हैं, उससे सचिन पायलट कैंप के जो विधायक हैं वो निराश भी हुए हैं, इसमें भी कतई कोई शक नहीं है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ जैसे नेताओं के पक्ष में सोनिया गांधी जो अपना रवैया रख रही है, गहलोत के पक्ष में भी सोनिया गांधी रवैया रख रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं पायलट की तरफ कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी घूमती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से पायलट के इशारे पर ही इस कमेटी का गठन हुआ और अब इस कमेटी ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के राजस्थान का टूर भी किया है, दौरा भी किया है, और इसी को लेकर के बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी का आज बड़ा संदेश है वो अशोक गहलोत तो सचिन पायलट को सुनाया जाएगा। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में आज से फिर अशोक गहलोत तो और सचिन पायलट को लेकर के नए नए क्यास लगाए जाने शुरू हो जाएंगे। सचिन पायलट कैंप ने पहले ही साबित कर रखा है कि किस तरह से वो बगावत कर सकते हैं, क्योंकि वो जनता की सहानुभूति बटोर चुके हैं, जिसका अच्छा परिणाम है वो सचिन पायलट कैंप को मिल रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हुए सियासी ड्रामे को लेकर के आज अजय माकन किस तरह का संदेश सोनिया गांधी की तरफ से लेकर के आए होंगे, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।